नमस्कार दोस्तों, कुक्स लुक्स एंड मोर पे आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, साउथ इंडियन पसंद करने वालों के लिए ना इडली सांभर जो है वो पसंदीदा और बेहद आसानी से बनने वाला व्यंजन होता है। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन रोज़ रोज़ सूजी की या दाल चावल की इडली ना खाकर बोर हो जाते हैं। आज बनाएंगे मूंग दाल और कॉर्न से बनने वाली मज़ेदार सी इडली। आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए ना मैंने एक बड़ी कटोरी मूंग दाल को 3 से 4 घंटे भिगो दिया था, जिससे काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे कम से कम पानी डालकर कुछ इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट ना बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं। कुछ इस तरीके का पेस्ट आप बनाएं और कम से कम पानी की सहायता से ना मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से इसे पीस लें। अब इस पीसे हुए जो मिक्सर में ना हम स्वीट कॉर्न डालेंगे। यहाँ पे एक छोटी कटोरी स्वीट कॉर्न जो चॉपर में दरदरा कर लिया गया है वो उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना तड़का रेडी करेंगे। तो इसके लिए 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने तिल का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इस तेल को गर्म करेंगे और उसमें लगभग 1/2 चम्मच राई चटकाएंगे। इसके बाद हम चुटकी भर हींग डालेंगे और साथ में डालेंगे कड़ी पत्ता। और इन सारी सामग्रियों को ना अच्छे से बघार लेंगे, अच्छे से तड़का रेडी कर लेंगे। और ये तैयार किया गया तड़का ना हमारे इस कॉर्न और मूंग दाल वाले मिक्सर में डाल देंगे। और तड़का डाल के ना इसको अच्छे से ना मिक्स कीजिएगा। और इसके साथ ना जब तड़के को आप अच्छे से मिक्स कर लेना, तो उसके बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद ना अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये इकसार हो जाए और हमारा जो ये इडली का जो मिक्सर है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाए। ठीक है, अच्छे से इसे फेंटिएगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसे फेंटेंगे ना मिक्सर बहुत स्मूथ और लाइट होता जाएगा। ठीक है जी, अब बिल्कुल आखिरी में हम खाने वाला फ्रूट सॉल्ट लेंगे, जिसे इनो कहते हैं, आसानी से मिलता है। आप लगभग 1 सैशे इस मिक्सर में ना डाल दीजिएगा। आप देखेंगे कि बहुत फ्लफी, बहुत लाइट मिक्सर हो रहा है और बड़ा हल्का हो रहा है ये मिक्सर। लगातार इसे फेंटिएगा एक ही दिशा में और लगभग 2 मिनट तक फेंटिएगा, अन्यथा जो ये इसका फ्रोथ है ना वो बैठ जाएगा। उसके बाद आप जो स्टील के ये जो इडली स्टैंड है ना, इसे ऑयलिंग करके तैयार रखिएगा। इसमें आप ये मिक्सर डालिएगा और इडली बनाने के लिए स्टीमर जो है वो रेडी कर लीजिएगा। तो एक एक करके सारी इडली इसमें डालिएगा और इडली स्टैंड ना प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद स्टीमर में डालिएगा और अपनी जो इडली है ना वो तैयार कर दीजिएगा, यानी कि 10 मिनट तक इसे स्टीम कीजिएगा। आप 10 मिनट के बाद ना इसे खोलकर चेक करेंगे और 10 से 15 मिनट भी डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड एपरेटस। तो आप इसको 10 मिनट बाद चेक करेंगे ना, इतनी शानदार फूली फूली, इतनी हल्की फ्लफी लाइट इडली ना बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। तो देखिए ना, इतना शानदार नाश्ता इतने कम समय में रेडी है, तो क्यों ना एक बार बनाकर ज़रूर देखा जाए और स्वाद लिया जाए।